नमस्कार विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में सी यू टी यू जी और पी जी का जो इंट्रेंस है उसमें आने वाले हैं और वो सवाल आपके हो सकते हैं जो पॉलिटी का जो क्षेत्र यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का जो क्षेत्र है उससे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज में अगर आप यू और पी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस चैनल से आसानी से जुड़ जाइए तो हमारा पहला सवाल है कि और सबसे पहले लिंक को भी आप ज्वाइन हो जाइए जो भी अभी कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं पहला सवाल है कि भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था तो अंगीकृत का क्या मतलब है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं भारतीय संविधान कब बना कब लागू हुआ और कब अंगीकृत किया गया इसको भी आप अब बताइए देखिए हमारे सामने स्क्रीन के सवाल हैं अंगीकृत करने का मतलब ये है कि संविधान कब बन के तैयार हो गया था तो 26 नवंबर उन्नीस हमारा ऑप्शन सही है इस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 को 26 जू 26 जून नहीं कहाँ है।, है।, है 26 जनवरी है ऐसे ही कन्फ्यूज होते हैं 26 नवंबर उन्नीस को ऑप्शन हमारा सही है 15 अगस्त उन्नीस सौ को देश हमारा आज़ाद हुआ था इसके बाद दूसरा सवाल है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर थे भीमराव अम्बेडकर थे चौदह अप्रैल को उनका आप लोग मतलब जयंती भी मना रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ये आपको ऑप्शन सी सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे तो ऑप्शन बी आपका सही है इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी अब इस तरह सामने आपके स्क्रीन पे लिखा गया अब आप बताइए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ये आपका ऑप्शन बी सही है इसके बाद हम बातें हैं भारत निम्नलिखित में से भारत है एक राज्य संघ राज्यों का संघ एक राज्य इकाई अब इसमें आप सवाल का जवाब दीजिए प्रांतों का संघ और क्या है भारत भारत है राज्यों का संघ एक राज्य इकाई ये आपके आर्टिकल में दिया गया है अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये सवाल मिल जाएगा इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान को प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता है कौन मतलब मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है आप बताइए निलंबित कौन कर सकता है इसका जवाब आप देंगे मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है मूलभूत अधिकार को मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है क्योंकि संसद तो नहीं कर सकती प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी सही है भारत में राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन ए उन्नीस सौ उनचास नाइनटीन फिफ्टी सेकेंड नाइनटीन फिफ्टी फोर थर्ड है और नाइनटीन फिफ्टी सेवन ऑप्शन डी है तो छठवां का जो सवाल का जवाब है अब आप बताएंगे सवाल का जवाब राष्ट्रीय आयोग का गठन 1950 में किया गया था ऑप्शन बी यहाँ पर सही है इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला सवाल है हमारा अगला सवाल हमारा है निम्नलिखित में से लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है तो सिंपल सी बात है अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के उनको अपना त्यागपत्र देता है और शपथ भी यही करवाते हैं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को ही त्यागपत्र देता है संसद स्थगन का अधिकार किसको है तो आप सब जानते हैं राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीन अंग होते हैं और आठवां का जो जवाब है वो राष्ट्रपति है दोनों सदनों की बैठक बुलाने का अधिकार और संसद को स्थगन करने का अधिकार विशेष जो सेशन होता, होता है उसको भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है पंचायत को चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है जो पंचायती चुनाव होता है पंचायत राज चुनाव इसका निर्णय कौन लेता है ये जो है पंचायत जो राज्य पंचायती जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है तो इसका जो सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन बी राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है जिला न्यायाधीश ले ही नहीं सकता केंद्र सरकार नहीं ले सकती चुनाव आयोग भी नहीं इंटरफेयर करता पंचायती चुनाव राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं इसके बाद फिर भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोर्शन कहाँ से लिया गया है और इसमें टेन नंबर का जो सवाल है इसका ऑप्शन है संसदीय प्रणाली ऑप्शन ए यहाँ पे सही है अब आप ये बताइएगा संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका किस जगह से भारतीय संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है यहाँ की चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं अब आप इसको खुद ही सर्च करके बताएंगे थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए थोड़ा सा हम भी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम कितने मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं अभी आप बताइए लोकसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं फाइव फाइव टू ये आपका ऑप्शन डी सही है यानी कि पाँच सौ बावन सदस्य लोकसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का साहब जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है ये यहाँ पे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे अनंत सयनम आयंगर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष ये थे संविधान में कुल कितनी अनुसूची है अब आप ये बताइए कि संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं कितने अनुच्छेद हैं आर्टिकल थ्री नाइन्टी फाइव हैं अनुसूची कितनी है अब आप बताइए आपको तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बारह अनुसूची है अब आपको ये तैयार करना है कि पहली में क्या है दूसरी में क्या है तीसरी में क्या है चौथी में क्या है ये अब आपका काम है क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगले सवाल की तरफ आते हैं अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है यानी कि किसका अपना उच्च न्यायालय है ऑप्शन स्वाभाविक सी बात है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है दिल्ली का तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा विद्यमान है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा विद्यमान है आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में बंद हैं उसके मुख्यमंत्री तो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा विद्यमान है लक्षद्वीप में नहीं है पांडिचेरी में है लेकिन यहाँ हो तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप इस सवाल का जवाब आराम से कर ले जाएंगे सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये लगातार चर्चा में भी रहा है कि सांसदों की योग्यता संबंधी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है सांसदों के योग्यता योग्यता पे तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है इसके बाद निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है अब आप बताइएगा लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है आपके सामने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष आपके सामने तमाम ऑप्शन है लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हैं नाइनटीन नंबर का सवाल है कैबिनेट सचिवालय के किसके अधीन कार्य करता है जो कैबिनेट का जो सचिवालय होता है वो किसके अधीन काम करता है अगर आप कुछ सवाल का जवाब पता हो तो आप बता सकते हैं ऑप्शन बी राष्ट्रपति यहाँ पर सही है लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करवाता है अब लोकसभा का जब चुनाव आपने इतना बार देखा होगा इतनी बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने हुए थे अब कौन करवा सकता है देखिए राष्ट्रपति ही करवाता है लोकसभा के सदस्यों का जो शपथ ग्रहण मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका राष्ट्रपति ही शपथ उनका करवाते हैं क्योंकि उस समय लोकसभा अध्यक्ष रहते नहीं हैं प्रधानमंत्री तो चुना ही जाता है मुख्य न्यायाधीश नहीं करवाते तो इस वजह से लोकसभा के सदस्यों का शपथ शपथ ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है इसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है अब इसको आप बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है तो भारत मौलिक अधिकार हैं राज्य की नीति तो आत्मा क्या होती है संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मा गण गणराज्य इसको भी इसको क्रम से आप देखिएगा तो संविधान की आत्मा संविधान की आत्मा मतलब क्या है संविधान की प्रस्तावना राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल करता है क्योंकि राज्य में राज्यपाल की ही चलती है इसके बाद भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है अब आप आई बनते हैं अब आई में आपको कहाँ जाना है आपको ये अच्छे से पता है कि अगर आप भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है भारतीय पुलिस सेवा का जो प्रशिक्षण होता है वो हैदराबाद में होता है मंसूरी तो यूपीएससी के लिए फ़ेमस है यानी कि आई अधिकारी वहाँ पे रहेंगे दो या अधिक राज्यों के लिए गठित लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है लेकिन अभी मंसूरी तो देहरादून में तो अभी भी आई शायद अभी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है दो तो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री पहला ऑप्शन है बी आपसी सहमत से संबंधित राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति और ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री तो ऑप्शन क्या सही है ये है राष्ट्रपति ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है इसके बाद पच्चीस नंबर कुछ सवाल है भारत के राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है अब ये सवाल का जवाब आप बताएंगे और अगर आप गलत बताएंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा निर्वाचन आयोग जो है इसका ऑप्शन सी सही जवाब है बताइए कि कैसा लगा वीडियो और आप लोग भी मेहनत करिए साथ ही साथ जैसे हम भी मेहनत करें आपके साथ वैसे आप भी मेहनत करिए और अच्छे से आप इंट्रेंस को निकालिए साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक्सप्रेस चैनल है कमेंट बॉक्स में लिंक पिंड है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे थैंक यू तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ